हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल सहजादा। दोस्तों, पिछले साल से जब से मतलब एक डेढ़ साल से जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब से कई सारे लोगों ने बोला है कि आप अपना रूम दिखाओ, आप अपना सेटअप दिखाओ, आप अपना रूम क्यों नहीं दिखाते, बहुत सारे लोगों ने बोला। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि चलो मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ और मेरे रूम में क्या सेटअप लगा है वो सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उठाते हैं अपना मोबाइल और शुरू करते हैं ये काम। यहाँ से शुरू करते हैं कि मैं अपना कैमरा कहाँ रखता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे बेड पे रखा है मैंने अपना कैमरा, क्योंकि कैमरे में लगा हुआ है 50mm लेंस जो कि प्राइम लेंस है और इसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं मतलब यहाँ से अगर अपना चेस्ट तक वीडियो में आना चाहता हूँ तो उसके लिए थोड़ा डिस्टेंस चाहिए होता है 50mm लेंस में, तो इसलिए मैं उसको बेड पे रखता हूँ। अदरवाइज जब मोबाइल से शूट करता था तो मैं यहाँ फर्श पे रखता था। तो ये है कैमरा का, अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइट्स वगैरह कैसे लगा रखा है मैंने। तो गैज, ये है वो जगह जहाँ पे बैठ के मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ। यहाँ पे एक चेयर लगा रखा है मैंने और एक टेबल है जो कि फोल्ड होने वाला है, और यहाँ पे टेबल पे मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है। इस साइड में देखें तो कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जिनका मुझे अभी रिव्यू करना है। और अगर आप थोड़ा सा और पीछे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मेरा अम्ब्रेला लाइट जो कि मैंने बिल्कुल छोटा कर रखा है सबसे मिनिमम साइज़ का, ताकि ये लो एंगल से लाइट दे और मेरे चिन्स वगैरह में इसकी वजह से शेडो ना आए। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक और अम्ब्रेला लाइट है जो कि मैंने हाई एंगल टॉप एंगल से लगा रखा है और ये काफ़ी लंबा कर रखा है मैंने, तो ये ऊपर से लाइट देता है, तो इस तरह से दोनों ऊपर और नीचे से बैलेंस रहता है। और यहाँ पे ऊपर एक और लाइट है छोटा वाला एलईडी लाइट जो कि 9 वॉट का है। और इस साइड देखें तो यहाँ पे एक और लाइट है ट्यूब लाइट, और इधर सामने देखें तो एक और छोटा लाइट लगा है 9 वॉट का, ये लगा है। तो इस तरह से टोटल 5 लाइट हो जाते हैं, मेन 2 अम्ब्रेला लाइट है, बाकी एक ट्यूब लाइट और 2 9 वॉट के बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये है, इसके अलावा इस वाले अम्ब्रेला लाइट के नीचे देखें तो यहाँ पे चेयर रखे हुए हैं, 2 चेयर, अगर मेरे पास कोई आता है मेरे रूम पे तो यहाँ पे मैं उसे बैठने के लिए बोलता हूँ। इसके नीचे एक स्विच बोर्ड है और यहाँ पे और एक स्विच बोर्ड है जिससे ये लाइट वगैरह कनेक्टेड होता है, कभी कभी चार्ज करता हूँ। और इस साइड देखें तो यहाँ पे डोर है मेरे रूम का, और डोर के पीछे मैंने कपड़े लटका रखे हैं डेली यूज़ के। और इधर देखें तो यहाँ पे मैंने अपना ग्रीन स्क्रीन का पर्दा लगा रखा है, जब भी मुझे ग्रीन स्क्रीन का यूज़ होता है तो मैं यहाँ पे इसको फैला देता हूँ पीछे, ये रॉड लगा है पर्दा फैलाने के लिए, तो यहाँ पे लगा करके फिर मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको। उसके बाद अगर ये डोर खोलें, ये आप देख सकते हैं ये डोर इस तरह से खुल जाता है, ठीक है। और इधर एक विंडो है डोर के जस्ट साइड में, और ये विंडो है। उसके अलावा यहाँ पे बीन रखा हुआ है, और इस बीन में मैं कपड़े रखता हूँ जो कि गंदे हो जाते हैं उसको धुलने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लकड़ी का एक बुक शेल्फ रखा हुआ है, और एक 2 है टोटल, और एक पे मेरे कुछ बुक्स वगैरह रखे हुए हैं और कैमरा बैग है, और दूसरे पे यहाँ पे मेरे डेली यूज़ के सामान हैं जैसे कि तेल और क्रीम जेल पाउडर, ये सारा कुछ रखा हुआ है, और ट्रिमर चार्जर वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है। और नीचे देखें तो यहाँ पे टोपी रखा हुआ है, और इधर अगरबत्ती रखा हुआ है कंफर्ट, अगर मच्छर लगे तो ये जलाता हूँ। और यहाँ पे इधर देखें तो 2 जो है ट्रॉली रखा हुआ है, एक स्काई ब्लू कलर का और एक ग्रे कलर का है, तो स्काई ब्लू वाला तो मैं यूज़ करता हूँ और ये ग्रे वाला मैंने पापा के लिए रखा है, तो जब मैं घर जाऊँगा तो उनके लिए लेके जाऊँगा। और ये इसके पीछे ट्राईपॉड का डब्बा रखा हुआ है,
और इधर कुछ नॉवेल्स रखे हुए हैं, इधर मेरे क्लास का बुक्स है इंजीनियरिंग का, और ये नॉवेल्स हैं जैसे रविंद्र सिंह का दिस लव दैट फील्स राइट, ये मुझे भी पढ़ना है, पढ़ा नहीं है। और एक और है, ये बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम का, ये भी मुझे पढ़ना है। तो उसके अलावा इधर देखें तो ये मेरा बेड है और ये दो पिलो हैं जिनको रात में लेके मैं सोता हूँ, और इधर एक एक्सटेंशन लगा रखा है मैंने चार्जिंग के लिए बेड पे, और इधर एयरफोन वगैरह रखा हुआ है। और बेड के ऊपर जाए तो ये दीवार थोड़ी गंदी है, काफ़ी दिन से यूज हो रहा है, पेंट नहीं हुआ है, और इधर मेरे भांजों ने कारीगरी कर दी है ये सब। और ऊपर जाए तो यहाँ पे एक फ्रेम लगा हुआ है, एक घड़ी है, और ये मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया था मेरे बर्थडे पे कुछ साल पहले, तो वो लगा रखा है मैंने। और इस साइड आए जो विंडो है, विंडो के सामने भी एक पेंटिंग उसने गिफ्ट दी थी, तो वो लगा रखा है मैंने ये वाली, तो इसको लटकाने का कोई जगह नहीं मिल रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। और फिर वापस आते हैं इधर बेड पे, तो इधर मेरा ब्लैंकेट रखा हुआ है, और ब्लैंकेट से ऊपर की तरफ चलें तो यहाँ पे मेरा टेबल रखा हुआ है, और ये कंप्यूटर टेबल है, इस पे लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है मेरा, और यहाँ पे पेन स्टैंड है, कुछ सामान और भी रखे हुए हैं, टिश्यू पेपर है, और ये की वगैरह रखा हुआ है, स्केल एंड ये सब, और ये आप देखें तो थर्मामीटर वगैरह रखा हुआ है, ये सारा कुछ है। और इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स है, और उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे प्लांट है, आर्टिफिशियल प्लांट है ये, और इधर एक पेपर का शिप रखा हुआ है, और उसके उस साइड देखें तो यहाँ पे आपको लॉजिटेक का माउस मिल जाएगा, और USB हब है यहाँ पे, इधर देखें तो गेमिंग कीबोर्ड रखा हुआ है। इन सब से नीचे आए तो इस बॉक्स में काफ़ी सारा कुछ रखा हुआ है, और अब इस बॉक्स को खोल के दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या है। तो ये बॉक्स खोला मैंने, इधर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मोबाइल के बॉक्सेस रखे हुए हैं, और कैलकुलेटर है, इधर सीडीज वगैरह पड़ी हुई है, मोबाइल का लेंस है, स्केल है, और ये आप देख सकते हैं मेरा ग्लू गन है, और इधर स्क्रू ड्राइवर वगैरह है, और बहुत सारे और सामान रखे हुए हैं जो कि पूरा मैसी है, तो इसको बंद करते हैं फटाफट से। और तो इसको मैं बंद ही रखता हूँ क्योंकि सही से रखा हुआ नहीं है, सामान सब इधर उधर फेंका हुआ है। सो नाउ आई एम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, यहीं पे बैठ के मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों आपने देख लिया मेरे रूम में क्या सामान है, आपने देख लिया मैंने सेटअप में क्या क्या लगा रखा है, बस लाइट्स वगैरह है और कुछ खास नहीं है, और तो यही है जो कुछ भी है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में लिख के बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये रूम कैसा लगा, अच्छा है नहीं है खराब है जैसा भी है कमेंट में लिख के बताइए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।